नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में आज हम लोग प्रमुख रूप से एक प्राचीन भारत के इतिहास का एक टॉपिक है जो कि है मौर्य साम्राज्य के बारे में। चूंकि इससे पहले हमने क्लास में आपको बताया था कि किस प्रकार मगध साम्राज्य में नंदवंश की शासन व्यवस्था का पतन हुआ और जैसे कि धनानंद को चाणक्य ने अपने शिष्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उसकी सत्ता की बागडोर चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपा, तो इस प्रकार अब एक नया साम्राज्य का निर्माण हुआ है, वह है मौर्य साम्राज्य। भारत का एक अखंड साम्राज्य, ठीक है, जो प्राचीन भारत में एक बहुत ही बृहद और बड़ा साम्राज्य रहा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। जैसा कि आपको हमने बताया कि मौर्य साम्राज्य जो है यह 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक इसका काल रहा है मौर्य साम्राज्य का। 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक इसका काल रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यदि हम बात करें कि मौर्य साम्राज्य के से संबंधित जानकारी का स्रोत क्या क्या है, तो साहित्यिक है, पुरातात्विक है, विदेशी विवरण भी है, ठीक है। आप देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित जानकारी विभिन्न स्रोतों से मिलता है, जैसे कि साहित्यिक, आपको बताएं साहित्यिक साक्ष में आप देखेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध एवं जैन साहित्य मौर्य वंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। जिस प्रकार कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है, ठीक है, जो मौर्य मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, उसी प्रकार आप देखेंगे कि विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस भी प्रकाश डालता है। इसके बाद आप देखेंगे कि पुराण, ठीक है, पुराण से भी आप देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य पर प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार पुराण से भी मौर्य साम्राज्य पर प्रकाश पड़ता है। जैसा कि आपको हमने बताया कि अर्थशास्त्र जो है इससे आपका मौर्य प्रशासन के जीवन पर प्रकाश डाला जाता है। विदेशी विवरण, इसमें इंडिका जो मेगास्थनीज के द्वारा मौर्य साम्राज्य की जानकारी उपलब्ध कराता है। इसके साथ साथ विदेशी विवरण में आप देखेंगे स्ट्रेबो एवं प्लिनी मौर्य इतिहास पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। प्लिनी हो गया, फिर आपका स्ट्रेबो, ठीक है, विदेशी विवरण में। यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा है और सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज जो है यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए पुरातात्विक साक्ष्यों में तो अशोक के अभिलेख अत्यधिक महत्वपूर्ण है मौर्य के शासन व्यवस्था के बारे में बताने के लिए, ठीक है, क्योंकि इतने अशोक के शासनकाल के जो भी अभिलेख है वो समस्त जानकारी पर्याप्त देता है।
मौर्य इतिहास की जानकारी काली व पालिस वाले मृदभांड से भी मिलता है, जो मृदभांड होते हैं मिट्टी के बर्तन वगैरह, तथा चांदी व तांबे के पंच मार्ग आहत सिक्के से भी जानकारी मौर्यों के बारे में मिलता है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना आप जान रहे हैं कि नंदवंश के शासक धनानंद का शासन एक क्रूर और अत्याचारी शासन था। इन्होंने चाणक्य की भी अवमानना किया था, अपमानित किया था। इसके बाद चाणक्य ने अपने शिष्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु के सहायता से, राजनीतिक गुरु थे चाणक्य, इनके सहायता से वहां पर शासन मौर्य वंश की नींव रखी। मौर्य वंश की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र थी। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम राजा और शासक हुआ, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक हुआ है। ठीक है, प्रथम जो है संस्थापक हुआ। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो मौर्य वंश के चंद्रगुप्त, इनका जो वर्ण है, इतिहासकारों में खास करके बहुत मतभेद है, लेकिन बौद्ध और जैन ग्रंथों में इन्हें क्षत्रिय कहा गया है। ठीक है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में इन्हें क्षत्रिय कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो विस्तार था, आप देखेंगे उत्तर पश्चिम में नॉर्थ वेस्ट से लेकर के उत्तर पश्चिम में ईरान, जो फारस था उस समय, ईरान फारस से लेकर के पूर्व में बंगाल तक, यहां भारत में आप देखेंगे पूर्व में बंगाल तक, और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक के मैसूर तक फैला हुआ था। ये बहुत बृहद विस्तार, हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक ने और विस्तार बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही अखंड साम्राज्य, ठीक है, भारत का पहला साम्राज्य एक तरीके से। ठीक है, आप देखेंगे मैप के माध्यम से, ये रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। आप देख रहे हैं ना, ये जो हेरात है, फारस जो आपको हमने बताया है, यहां से लेकर के ये बलूचिस्तान, पाकिस्तानी सौराष्ट्र, नर्मदा भारत होते हुए, ये मैसूर देख रहे हैं ना, मैसूर, ये मैसूर, ये मैसूर के भाग से कलिंग उड़ीसा वाला भाग है, फिर मगध शामिल होते हुए ये जो है आप देखेंगे कश्मीर तक, बहुत ही बृहद साम्राज्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्मित एक बड़ा साम्राज्य, ठीक है, यह था। चंद्रगुप्त मौर्य तत्कालीन यूनानी शासक सेलुकस निकेटर को भी पराजित किया था, इनकी ये विशेषता है। और सोहगौरा ताम्रपत्र गोरखपुर से यमरुद्र दामन के गिरनार अभिलेख गुजरात में है, से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त का जो है पश्चिम भारत में सौराष्ट्र, जो गुजरात है, गुजरात वाले क्षेत्र में तक प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अधीन कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, एवं इस प्रदेश में उसने, चंद्रगुप्त मौर्य का एक राज्यपाल था पुष्यगुप्त ने, जो वहां का राज्यपाल था, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यपाल था वहां पर जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, उनका जो राज्यपाल था सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता, कुशल प्रशासक था। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बिंदुसार होता है। इसे अमित्रघात नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ शत्रु विनाशक होता है। एवं बिंदुसार के ही दरबार में सीरिया का शासक एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। ठीक है, बिंदुसार के ही दरबार में सीरिया का शासक जो है एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत
भेजा था, और मिस्र मिस्र के शासक टालेमी मिस्र के शासक टालेमी द्वितीय ने टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजे थे। मिस्र के शासक थे टालेमी सेकेंड फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजे थे। ये सब फैक्चुअल डेटा है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अशोक के बारे में। 273 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक बिंदुसार का पुत्र था ये अशोक। इसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इससे पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। इससे पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। ये किंवदंती भी लग सकता है, ऐसी कुछ अनुश्रुतियां हैं, सिंहली अनुश्रुतियां ऐसा बताता है कि 99 भाइयों का कत्ल करके सिंहासन प्राप्त किया था अशोक बिंदुसार के बाद। बिंदुसार का ही पुत्र था अशोक। ठीक है, लेकिन जो भी हो, किंवदंती भी हो सकता है। अशोक के अभिलेखों में देवनाम प्रिय या देव का प्यारा कहा गया है। अशोक का नाम मास्की की गुर्जरा अभिलेख में ही मिलता है। ठीक है, और अभिलेखों में आप देखेंगे देवनाम प्रिय देव का प्यारा जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण बात है कि 99 भाइयों का कत्ल करना एक किंवदंती भी हो सकता है, लेकिन एक युद्ध हुआ है, कलिंग युद्ध उड़ीसा का, क्योंकि इसके राज्याभिषेक के बाद हुआ था। राज्याभिषेक के आठवें वर्ष बाद जो है कलिंग का युद्ध हुआ था, और जो वर्तमान उड़ीसा के दक्षिणी भाग में स्थित है। ऐसा बताया गया है कि 13वें अभिलेख में इस युद्ध के बारे में जो विस्तृत जानकारी मिलती है, इस युद्ध के नरसंहार होने के कारण अशोक का जो हृदय था वो पिघल गया, और इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उदारवादी व्यक्ति के तरह कार्य करना शुरू किया। ठीक है, युद्ध की नीति इन्होंने त्याग दिया था कलिंग युद्ध के बाद, ऐसा बताया जाता है 13वें अभिलेख में। कई अभिलेखों से स्पष्ट है कि इसका साम्राज्य उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में काठियावाड़ गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था, और कलहड़ की राजतंगड़ी से भी पता चलता है कि इसका अधिकार जम्मू कश्मीर पर भी था। कलहड़ की राजतंगड़ी जो उनका एक पुस्तक है उससे पता चलता है कि इनका अधिकार जो है कश्मीर पर भी था। आप देखेंगे ये रहा अशोक का एक साम्राज्य जो कि बृहद, आप देख रहे हैं ना, पूरी तरीके से कोई क्षेत्र नहीं है। ठीक है, ये आप देखेंगे भारत का मैप, श्रीलंका वगैरह में भी इन्होंने अपना जो भी है राजदूत वगैरह जो भी है भेजे थे इन्होंने, श्रीलंका में भी, श्रीलंका से भी लोग आए। ठीक है, अन्य भी देश से भी लोग आए, भेजा गया। ठीक, अशोक का धार्मिक जीवन की शुरुआत तो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी के रूप में हुआ था, परंतु बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, और इन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत यात्रा भी किया है, जैसे सर्वप्रथम बोधगया की यात्रा की, इसके बाद लुम्बिनी ग्राम को इन्होंने कर मुक्त घोषित कर दिया। ठीक है, क्योंकि बोधगया गए हैं, फिर कुशीनगर गए हैं, लुम्बिनी गए हैं, कपिलवस्तु गए हैं, फिर सारनाथ गए हैं,
उसके बाद सारवस्ती की इन्होंने यात्रा किया अपने धर्म की यात्रा में, ठीक है। और इन्होंने आजीविकों के रहने के लिए, जो आजीविक संप्रदाय के लोग हैं उनके रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का भी निर्माण कराया है अशोक ने, यानी कि धार्मिक जीवन भी बेहतर था। भारत में अशोक सर्वप्रथम ऐसा शासक हुआ जिसका एक शिलालेख अभिलेख के माध्यम से अपनी जनता को सीधे जो है एक राज्यादेश के रूप में बताने की कोशिश किया, ठीक है, जिसे जनता को उन्होंने संबोधित किया है। कुछ इनके जो शिलालेख हैं वो बृहद और लघु दोनों भागों में बांटे गए हैं। आप देखेंगे कि पाकिस्तान के शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा में जो पाकिस्तान में मिलता है वहां से भी अशोक का अभिलेख मिला है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कालसी उत्तराखंड में भी मिला है, देहरादून में, गिरनार गुजरात में मिला है, मास्की का अभिलेख कर्नाटक में मिला है, गुर्जरा का अभिलेख मध्य प्रदेश में मिला है, ब्रह्मागिरी मैसूर, कर्नाटक का भाब्रू, ठीक है। तो ऐसे अभिलेखों के माध्यम से उन्होंने जनता को संबोधित करने का कार्य किया है अशोक ने, ठीक है, यह बात इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है कि अशोक के अभिलेखों के बारे में कुछ विशेष तथ्य। जैसे पहला शिलालेख है, देखिए हम 13-14 शिलालेख हैं, लेकिन 14 शिलालेख है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा करता है और ये कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है। अशोक ने अपने पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा किया है और यह कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है। दूसरा शिलालेख में पशु चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य तथा, ठीक है, केरल, ठीक है, सतियत पुत्र एवं केरल पुत्र पांडे चोल जैसे दक्षिण भारत के कुछ शासक और राज्यों के बारे में जानकारी मिलता है दूसरे शिलालेख से। तीसरे शिलालेख से राजकीय अधिकारियों रज्जुक, कुछ प्रादेशिक अधिकारी राजकीय अधिकारियों की नियुक्ति और आदेश दौरा करने का कुछ जानकारी मिलता है, ठीक है। चौथे में धर्म से संबंधित है, इसको आगे बढ़ा के पांचवें शिलालेख में धम्म महामात्र की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। पांचवें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तेरहवें शिलालेख में आपको हमने बताया कलिंग युद्ध का वर्णन है। इस प्रकार थोड़ा सा मूल्यांकन किया जाए तो अशोक एक महानतम सम्राट को में रखा जाता है, बहुत ही महान, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय एकता की समस्या को इन्होंने अत्यंत कुशलतापूर्वक हल किया और संपूर्ण देश में एक भाषा, एक लिपि, एक ही प्रकार के कानून का प्रचलन करवाया अशोक, इसलिए महान अशोक को हम अशोक महान के रूप में जानते हैं, ठीक है। अशोक कला प्रेमी का भी संरक्षक था, ठीक है, लेकिन 232 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुआ, 232 ईसा पूर्व में, ठीक है, 200 डेट खैर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस प्रकार मौर्य वंश का अंतिम शासक तो बृहद्रथ है, लेकिन अभी और भी मौर्य के प्रशासन के बारे में, अन्य चीजों के बारे में पढ़ेंगे, तो इस प्रकार आप ये अध्ययन करते रहिए और कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से पूछते रहिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।